हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है फादर्स डे स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज है फादर्स डे, तो आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को फादर्स को और मदर्स को सिर्फ इन्हीं डेज़ पे याद नहीं करना चाहिए, उनका हर दिन है, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और उनको हर लम्हा याद करें, उनको अप्रिशिएट करें। उन्होंने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी, उन्होंने आपके लिए बहुत स्ट्रगल की। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें। डे कोई भी हो, लेकिन उसको हमेशा रोज़ ऐसे ही मनाएं जैसे कि ईद है। तो चलिए अब चलते हैं, तो सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं केक बेक करूँगी, फिर केक कटवाऊँगी अबू से, फिर पापा जी की तरफ जाएंगे, उनको विश करेंगे, उनके लिए केक लेके जाऊँगी, गिफ्ट लेके जाऊँगी। अबू को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले चलते हैं बाज़ार, और ये जा रही हूँ मैं बाज़ार। और क्या लेने जा रही हूँ मैं, मामा अबू के लिए, मम्मा नहीं अबू के लिए और पापा के लिए ड्रेस लेने गई थी, क्योंकि उनको गिफ्ट करने थे। तो मैं ये चली गई बाज़ार, और ये मैं पसंद कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे अच्छे ड्रेस, सारे ही ड्रेस बहुत प्यारे थे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ। और बहुत सारे मैंने निकलवाए, आप लोग देख ही रहे होंगे कितना खलारा डाल दिया मैंने डलवाया, बल्कि उठाते रहेंगे। उनसे कपड़े भी तो लिए ना, हमें क्या। तो फिर मैंने तरह तरह के कलर्स देखे और मुझे पसंद नहीं आया कोई भी। फिर फाइनली काफ़ी देर देखने के बाद मुझे समझ आ गया, एक स्किन लिया और एक और कलर लिया, और फिर मैं निकल आई दुकान से बाहर। और इसके बाद मैं आ गई स्टोर पे। स्टोर से मैंने लेना था बेकिंग का सामान, तो मैं इस बार बना रही थी ओरियो केक। तो फिर मैंने भूनना शुरू किया ओरियो, फिर चॉकलेट लेनी थी, और फिर लेना था क्रीम। तो ये सबसे पहले मुझे मिल गई चॉकलेट क्रीम। चॉकलेट मेरी फेवरेट डार्क चॉकलेट है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और इसके बाद मुझे मिल गई मेरी क्रीम, और इसके बाद फिर मैंने ढूंढ लिया ओरियो, और ये चीज़ें मैंने लीं। और फिर मैं आ गई घर, और इसके बाद मैंने सारे के सारे ओरियो बिस्किट्स को निकाला पैकेट में से, और इन सबको निकाल के, पूरा डिब्बा था तो इनको निकालने में काफ़ी टाइम लगा। तो मैंने इनको फटाफट से निकाला, और फिर मैंने शुरू किया है इनको अलग करना, और फिर इनके ऊपर से क्रीम को उतारना। और इस चीज़ की मदद से मैंने सारे के सारे बिस्किट्स से, ये बड़ा ही कह सकते हैं सब्र वाला काम था, बहुत सब्र किया मैंने, सुकून से खड़ी रही, वेट करती रही कि जैसे ये काम कंप्लीट हो तो मैं अगला प्रोसेस शुरू करूँ। तो बड़ी तसल्ली से मैंने सुकून से ये सारा काम किया। और फिर इन सारी क्रीम को अलग करने के बाद बिस्किट हो गए बिल्कुल शानदार। तो ये मैंने जग में सारे के सारे बिस्किट डालना शुरू कर दिए, और जल्दी जल्दी से डाल रही थी ताकि जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म हो। और इसको डालने के बाद मैं करूँगी ग्राइंड, और फिर मैं इसकी बनाऊँगी पेस्ट दूध वगैरह डाल के, और फिर मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने डाल दिए सारे के सारे बिस्किट इसमें, और फिर करूँगी इसको ग्राइंड, बिल्कुल इसकी चटनी बना दूँगी। ये चला दिया मैंने ग्राइंडर, और अब ये हो गया है ग्राइंड, और अच्छा खासा इनका पाउडर बन गया है। तो अब मैं इसमें ये है, मैंने क्रीम ली है, तो ये क्रीम और मैंने मेल्ट की थी चॉकलेट जो मैंने क्रीम ली थी, तो इनको अब मैं करूँगी ब्लेंड इस ब्लेंडर के साथ। तो ये मैं बेसिकली इसके ऊपर वो जो लेयर होती है क्रीम की टॉपिंग जो है वो बना रही हूँ। तो अब इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड मिक्स किया, जब तक ये ज़्यादा थोड़ी हार्ड वाली हो जाए। तो इसको करने के बाद मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। उसके बाद मैंने ओरियो में डालना शुरू किया दूध, और इसमें अच्छा खासा दूध डाल दिया। और जब ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया, तो फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, और ये मैं कर रही हूँ इसको अच्छे से मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको इसमें डाल देना है इनो, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मैंने आज बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ किया। इसके बाद मैं इसको मिक्स करने के बाद इसको रखूँगी फ़ौरन से बेक होने के लिए, क्योंकि ओरियो इसमें इनो डालने के बाद इसको रखते नहीं है। तो मैंने इसको फ़ौरन बेक करने के लिए रख दिया, और थोड़ी देर बाद ये बेक होके रेडी हो गया। तो मैं वो शूट करना भूल गई, तो मैंने इसको जल्दी से फिर डेकोरेट करना शुरू किया। जब ये अच्छा ठंडा हो गया, तो ये इसके ऊपर मैं वही क्रीम लगा रही हूँ जो मैंने आपके सामने बीट की है, और इसके बाद इसको करेंगे डेकोरेट। तो इस मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी, जा रही थी घर में, खाई थी तो थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर मैंने वो इस पर दो लगा दी। और उसके बाद कुछ ये चॉकलेट थी मैंने रखी, वो ओरियो थे मिनी, वो लगाए। और ये काफ़ी कुछ मैंने इसके ऊपर जो जो भी घर में पड़ा था, सारा का सारा सामान मैंने केक के ऊपर डाल दिया कि चलो अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने इसकी डेकोरेशन को डन किया। तो घर में ही पड़ी हुई चीज़ों के साथ मैंने ये सारा कुछ किया है, और वही चॉकलेट को मैंने काट के ऊपर लगा दिया था। और ये पहले मैंने इनको डेकोरेशन को कुछ उस तरह से किया, फिर मैंने इसकी चेंज कर दी, तो चेंज तो बन गया। तो फिर इसके बाद अब उसे कटवाया हमने केक। तो अब है सबको अब खिलाने की, तो ये सारे केक खिला रहे हैं अबू जी को। और ये आ गई हूँ मैं, और मैं बहुत रफ़ बनी तो मैंने कोशिश की थी मेरा फेस ना है, लेकिन मेरा भैया जान वो तो ला के ही छोड़ेंगे ना मेरा फेस। तो ये अब सब खा रहे हैं कि खाना वाना खाने के बाद हमने केक खाया था। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर तो सेलिब्रेट कर लिया है फादर्स डे। अब जाने लगी हूँ अपने फादर इन लॉ के घर, अपने पापा जी के घर, उनको सरप्राइज़ दूँगी। लेकिन सोचा यही था, लेकिन अभी अभी बड़े भाई ने हमें सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने कॉल कर दी है कि चलो बाहर चलते हैं, पापा को ट्रीट उन्होंने देनी है, तो हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। तो अभी उधर जाएंगे, डिनर करेंगे, और फिर वापसी पे हम उधर से केक लेंगे और पापा जी को करेंगे विश। तो चलिए अब चलते हैं, करते हैं डिनर। तो ये हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो ये हम आ गए पापा टिक्का शॉप पे, तो ये काफ़ी फेमस है, इनका खाना बड़ा मज़े का होता है। तो ये मैं आ गई अंदर, क्राउडेड था तो मैंने फिर लोगों को कैप्चर ना करने की कोशिश की, और ये हम आके बैठ गए। इसके बाद उन्होंने हमें बड़ा टेबल दे दिया क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे, तो फिर हम इधर आके बैठ गए। तो अब हम लोग सारे पहले पानी पी रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो पानी पीने के बाद ये हूँ मैं, और हम लोग फिर खाने का वेट करने लग गए। तो ये लीजिए जी आ गया है हमारा खाना। खाना बहुत मज़े का था, तो हम लोग सारे ही लगे थे कि पहले पिक्चर बना लें। तो पिक्चर बनाने के बाद हमने खाने की खिदमत शुरू की, हमने खाने को खाना शुरू किया, और ये हम लोग सारे शुरू हो गए। ये आ गए जी नहान, चलो जी अब सारे टूट पड़ो, तो हम टूट ही पड़े फिर खाने पे। और ये हम खा रहे हैं खाना, खाना बहुत मज़े का था, काफ़ी पेट भर के खाया। और इसके बाद फिर खाना खाने के बाद हम लोग घर आने की तैयारी में लग गए। डिनर हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो गाइस ये मैं आ गई हूँ, नहीं तो पापा को ड्राई केक पसंद है, तो मैंने फिर ट्राई किया, नहीं अच्छा लगा तो बहुत बार बार चॉकलेट देते हैं, मैंने बोला पसंद ही नहीं है। तो फिर हम ड्राई के जो किया और केक हमने पैक करवाया, और भी भैया जान ने पैसे दिए, और फिर हमने वहाँ से निकलना। तो ये यहाँ भैया जान जो मुझे इंटरेस्ट कर रहे हैं, बार बार के चॉकलेट ले ले सोच ले एक बार, और ये देखें ये पैसे थे, और फिर हम निकल आए दुकान से बाहर। और इसके बाद हम लोग अब जाने लगे हैं घर, और घर जाके हम पापा को देंगे सरप्राइज। और पापा हमसे पहले ही निकल आए थे, तो ये देखें जी पापा को हमने दिखा दिया, और ये हमारा केक, और अब हमारे पास ये हमने इनको अच्छे से किया विश, और पापा की खुशी देखने वाली थी। और इसके बाद हमने केक खिलाया पापा को। और गाइस आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, मेरा यकीन रखें। और फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट व्लॉग में। चलो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी रखें, और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और हर दिन को फादर्स डे और मदर्स डे की तरह मनाएं। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय। और ये हूँ मैं, मुझे भी देखने जाते जाते, ओके सी या, बाय एवरीवन।